हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरी से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। तो हम रिएक्ट करेंगे, देखेंगे इकट्ठे बैठ के, और वो है सिग्मा मेल फनी मीम्स, ठग ऑफ मीम्स। तो मीम्स जो है उनका जो मेन पर्पज़ होता है बेसिकली, वो होता है एंटरटेनमेंट। बिल्कुल भी किसी को ना लो फील करवाने के लिए होता है, ना इंस्टिगेशन होती है, ना किसी की मॉकरी होती है, जस्ट फॉर फन। तो इसको फन के तौर पे ही लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर पहले से मौजूद हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं, और इस फैमिली को बड़ा करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें, सजेशंस दें और अपने व्यूज़ दें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की, वहाँ पे आप हमें, अगर आपके पास कोई लिंक है, स्पेसिफिक कोई वीडियो है, उसकी लिंक डीएम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, 3 2 1 एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टग ऑफ मीम्स एचटी रिएक्ट्स एंड मेन थिंग यूज हेडफोन्स। अबे यार, ये फिर आ गया वो, ये पुनीत की बात। हाँ, ये बिग बॉस में आने लगा, इसकी थोड़ी वीडियो में इसका कंटेंट जाकर चेक किया। अबे पुनीत कहाँ पे, तू कहाँ पे चिमकांडे? तुम भी पुणे जाओ, आप मेरा ही कंटेंट देख लो, आप खुद जाकर दिखाओ जरा। तुम बेटा पिल्ले, तुमने सही नाम रखा है। पुनीत लेजेंड है भाई। पिल्ले नाम देखो इसका, क्या पिल्ले मतलब जो भी मन कर सकता आदमी। ये क्या है? मैंने कुल्फी जावेद मेरे बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करेगा। अच्छा, कुछ भी तो मतलब कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, कोई देखो कोई बहन जो कुछ भी कमेंट नहीं करेगा, तो मतलब ये ड्रेस पर कमेंट कर रहा है ना, आदमी को जो मन है वो पहन सकता है क्या? हाँ, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे पहनूंगी। सही बात है, जो मर्जी पहने ना, लंगटे चले भारी मार्केट में। सेम इमोशन, कुछ भी है। क्या लेना है यहाँ पर? डाटा लेना। चलो पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मंगरू। मंगरू जी, आप यहाँ पे क्या खरीदने आए हैं, बता सकते हैं आप हमें? खरीदने नहीं आया, मैं बेचने आया हूँ। बेचना है तो अच्छा, ये दुकान आपकी है क्या ये वाली? नहीं, 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 नहीं। तो ये आपकी दुकान नहीं है, तो फिर आप क्या बेच रहे हैं? जहाँ खड़े जाता हूँ वही दुकान है। अच्छा, तो ऐसा क्या बेच रहे हैं आप? भाई साहब दिखाएंगे हमें? भाई साहब दिख तो रानी है, कुछ दिखाओ तो सही। अरे भाई साहब मजाक कर रहे हो क्या? एक गुटका है, कोई बेचने वाली बात है? एक गुटके से क्या होगा? अबे भाई, भाई साहब पूरी गड्डी है, कैमरामैन साहब पूरी गड्डी है, लेकिन एक गड्डी से क्या होगा? आपका तो खर्चा भी नहीं चलेगा इससे तो। अंदर और रखा हुआ ये ले भाई। चलती फिरती दुकान है। यो हिला डाला ना, सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं, बात जॉब लगेगी और देश का सेवा करेंगे। देश का सेवा करेंगे तो नहीं अगर लगा तो क्या करिए? नहीं तो अपना छोटा मोटा बिजनेस, या तो फिर, या तो जब देख रहे हैं कि अगर पढ़ाई पढ़ाई से नहीं कुछ होगा तो तब अपना सरकार बनाएंगे। आए हाय हाय, सरकार बनाओगे? वैसे दूर की सोचिए भाई, सरकार बनाएगा और फिर पढ़े लिखे लोगों को जॉब देगा, यानी अपने पास। कितना नंबर आ जाएगा? आदम सो मसो आएगा। शाबाश बेटा, सो मसो। अच्छा, हिंदी में कविता सुना दीजिए। पांच तुम्हारी, पांच हमारी, बाकी हम जा रहे हैं आगे, तुम लोग देख लेना। धोनी भाई ना जाओ, हैं? ना जाओ धोनी भाई, ठीक है हमारी इच्छा है। धोनी लेजेंड है। फिर क्या, अविनाश करके एक जो बंदा है, उसने जैद को बोला कि फुकरा इज नोबडी, हाथ पैर जोड़ के आगे। ब्रो जितने लोग तुम लोग को जानते हैं ना, उससे ज्यादा डबल फैन फॉलोइंग तो हमारे सेकंड चैनल्स की होती है। यूट्यूबर्स को कितना नीचे दिखाया जा रहा है इस शो में, कभी हमारे साथ सड़क पे निकले यूट्यूबर्स को खड़ा होना चाहिए ना, कि बैंड बजाई जाए। मुझे एक वीडियो दिखा था एलविश का, उसमें वो जिस तरह से डिग्रेड कर रहा था ना सलमान खान, दिल तो कर रहा था बंदा चिपका दे सलमान को। कितने बंदे बैठे हैं? 8 सीटर।
ये आल्टो थोड़ी है, ये एसयूवी है। ये क्या मजाक है, क्या हिम्मत है वैसे बैठे। सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर के रहना पड़ेगा। चॉकलेट साला कर क्या रहा है यहाँ पे, क्या दे क्या रहे, विमल दे रहे, शर्म नहीं आती तुमको है भाई। लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। उनके पीछे घूस लेने वाली पुलिस खड़ी है, अच्छा। वोट खरीदने वाले नेता खड़े हैं, उनके पास पैसे हैं, हथियार हैं, हमारे पास क्या है। तेरी माँ का भोसड़ा भेंट, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी मामिन कर रहे साले। ये एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल एक्सपेक्ट किया। सर, ये मुझे लौंडा लग रहा है, पता नहीं मास्क के नीचे ना। वाह मोमेंट है भाई, मोमेंट। देखो लड़के कितने जो है ना हम्बल होते हैं। मैं आपको नई डिजाइन दिखाती हूँ। अच्छा ये जो ये जो कुल्फी जावेद के कपड़े आप ही ने डिजाइन किए, पत्ता वाला है ना जी। तो मतलब ये जैसे आपने पत्ते का जो ड्रेस बनाया है तो इसमें की ये इसमें खराब नहीं होता है जब पत्ते का ड्रेस कम ऑन, इसमें कीटनाशक पड़ा हुआ है, कोई कीड़ा कुछ नहीं लग सकता। अच्छा इसमें मतलब आपने कीटनाशक डाला है पत्ते के ड्रेस में, कीटनाशक। कुल्फी जी के गांड उड़ में तो खुजली होने शुरू हो गया होगा ये सब पहनने के बाद। इच गार्ड लगाओ, खुजली मिटाओ। डू यू नो सलमान खान फ्रॉम बिग बॉस? सलमान व्हाट? सलमान खान फ्रॉम बिग बॉस। यार सलमान खान जज भी बना हुआ है, ज्यूरी भी बना हुआ है, होस्ट भी बना हुआ है। कैसा होस्ट है? नो आई पब्लिक पब्लिक होती है बेसिकली जज करने वाले, खुद ही बना हुआ है जज। लॉर्ड पुनीत भाई, जो कॉन्फिडेंस पुनीत भाई के पास है ना वो हमारे पास क्या ही बात। रिव्यू लेने मूवी जस्ट अभी खत्म हुई भाई, मूवी कैसे लगी? बढ़िया थी मूवी। चलो बढ़िया यार, आपको मूवी कैसे लगी भाई? बहुत जेन्युइन भाई। मूवी कैसे लगी भाई साहब? 3D मूवी थी, बहुत जबरदस्त। अच्छा 3D में कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था या तो हम मूवी के अंदर या मूवी के बंदे निकल के बाहर आ जाएंगे। अच्छा भाई आपको कैसे लगी? भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 3D BF लगा दी जाए तो कैसा लगेगा। लेजेंड लेजेंड क्या बवासीर है मैडम, क्या हो रहा है मैडम? पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा एक मिनट, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। ठीक है बेबी, क्या हुआ? पेट में दुख रहा है। एक मिनट हाथ उठाओ, अभी ठीक हुआ? हाँ ठीक हो गया। चलो बंदर सोटी उठा ले और इनको सूत दे पकड़ के। पे गैस बेचने वाले हैं, क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम रविंदर सिंह है। अभी हम बात कर रहे थे उधर लोगों से तो उन्होंने मुझे बताया कि महंगाई तो बढ़ी रही है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लगातार जो दारू बैन है दारू मिल रहा है और दारू की खपत भी हो रही है। बेरोजगारी में तो हमारे बच्चे को पालना है और दारू तो बेचना ऐसा है कि रोजी रोटी के लिए कुछ लोग बेचते हैं। कोई आपके दोस्त या फ्रेंड हैं कोई या रिश्तेदार जो कि मतलब नौकरी छूटा और दारू बेचने लगे हो? जी ऐसा तो मैं ही हूँ सर की जो कि बेचता हूँ दारू। सिलेंडर का बेचने का धंधा है? सिलेंडर में दारू। ये देखिए सर अच्छे से। अरे बहन चोर Well, alcohol consumption is injurious to health. Okay, तो भाई memes देख लिए और अच्छे भी थे, enjoy भी कर लिए, mood भी light हो गया। लेकिन इस पूरे chapter में, इस पूरे video में जो चीज़ बार बार disturb कर रही थी वो थी Elvish यादव और सलमान खान। यानी सलमान खान basically यार देखो ये पहला बिग बॉस है जो मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मतलब OTT प्लेटफॉर्म का दूसरा सीज़न और वैसे ओवरऑल बिग बॉस में से ये पहला है जो मैंने देखा ही नहीं। मतलब उसकी वजह है यार इतनी पार्शियलिटी, मतलब एक बंदा अगर अपने दम पे कोई आया हुआ है, अपनी मेहनत करके आया हुआ है, लोग उसे मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, तो तुम इतना सड़ते हो, इतना मतलब
वो बेबी का जो थी उसके चक्कर में एल्विश की जो इन्होंने बैंड बजाई, और इतना गंदा गेम खेला है ना, इतना गंदा गेम, हद तक मैं फॉलो नहीं कर रहा एपिसोड्स को, लेकिन मीम पेजेस हो गए, आप कह लो कि बिज इन्फो हो गया, इन सब से इन्फो मिल ही जाता है। और बेसिकली सलमान खान जो है वो जज भी खुद ही बना हुआ है, वो ज्यूरी भी खुद ही बना हुआ है, वो होस्ट पहला होस्ट देखा है जो कि मतलब अपनी मर्जी से गेम को चला रहे, और मतलब फिर वोट क्यों देते हैं भाई लोग, लोग जिनको पसंद करते हैं उन्हीं को वोट देंगे। हर सीज़न में ऐसे होता है कि सलमान खान जो है ना किसी एक बंदे की हमेशा बिला वजह बैंड बजा रहा होता है, जैसे आसिम रियाज था उसकी मुफ्त में बजाता रहता था, इसी तरह पिछला जो सीज़न गुजरा उसमें जो था वो अपना वो था यार शालीन, हत्ता कि शालीन की गेम आपको पता ही है क्या होती थी, लेकिन उसकी बिला वजह बजाता था। और इस बार एलविश और फुकरा जो है उसकी अभिषेक की बजा रहे हैं बिला वजह से, और आपने देखा ही है पूजा भट्ट को जो है ना सेल फोन तक उसके पास है, तो ये तो चल रहा है भाई, देखो अब क्या ही बोलें। मेरे ख्याल में जितनी जो कम्युनिटी है ना यूट्यूबर कम्युनिटी, उसको आवाज़ उठानी चाहिए, और तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठानी चाहिए, मतलब ये हल्के में ले रहे हैं। बाकी जो मीम्स की बात है मैं इस पर करूँगा वीडियो, मैं सोच रहा था करूँ, करेंगे, ढूंढ रहा हूँ कुछ अच्छा कंटेंट मिले उस पर करेंगे। बाकी जो मीम्स थे वो तो सही थे, इसमें जो है ना उर्फी ए के ए कुल्फी की बड़ी बैंड बजाई गई है, चलो तो कोई बात नहीं। और अपना जो थे सख्त लोंडे भी कभी कभी पिघल जाते हैं, वेल मुझे वो लोंडा ही लग रहा था जो कि कंधे पे सर रख रहा था, क्योंकि उसकी जो आईब्रोज थी और जो उसके बाल थे वो मुझे ऐसा लगा वो लड़का है, लेकिन कोई बात नहीं, सही है, कभी कभी पिघल ही जाते हैं। फिर आल्टो थी, लॉर्ड पुनीत थे, ओवरऑल मज़ेदार वीडियो था, मज़ा आया देख के। और जो अनएक्सपेक्टेड क्लिप था वो था अमिताभ जी की मिमिक्री वाला, बड़ा खतरनाक था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नई नई चीज़ें शेयर करते रहना, इसी तरह हमें कुछ ना कुछ फीडबैक आता रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन उस कुछ ना कुछ को देखते हुए हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू गाइस।